हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर नो दैट आर फर्स्ट टर्म मींस एसे वन इज कंप्लीटेड। नाउ स्टार्ट एसे टू सिलेबस। दिस फर्स्ट चैप्टर इज प्लेइंग कबड्डी। Lesson number 7, book page number is 67. Kabaddi is a game which is famous Punjabi game. Now it is become international game. Today we are going to discuss about Kabaddi. First of all, we are going to discuss about words meaning of this chapter, help this word understand the topic. Yes, first is repeat. Yes students, please take out your notebook and write like this. First word is repeat, meaning is do something again or more than once. Repeat means do something again or more than once. Repeat means kya hota hai? Koi bhi cheez bar bar karna, zyada zyada bar repeat karna. Theek hai? Dubara karna. Kisi cheez ko dubara karna. Formed. Next word is formed. Formed means to begin, start karna. जब स्टार्ट करते हैं कोई काम को उसको क्या कहते हैं? फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मीन्स टू बिगिन या टू एग्जिट। एग्जिट भी कह सकते हैं किस चीज़ से बाहर निकलने के लिए या शुरू करने के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं फॉर्म्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स एन एक्ट ऑफ टेकिंग एयर। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रीथ? एन एक्ट ऑफ टेकिंग एयर मीन्स सांस लेना। यस। Next word is tilt. This is tilt. Tilt means move so close together. Move करना किस चीज़ के नज़दीक जाना, बहुत ही करीब जाना, उसको क्या कहते हैं? Tilt. Yes. Next is, और इसको simple word में कहेंगे, छूना। Next is international. International means more countries. International में क्या आते हैं? बहुत सारी countries आते हैं। Means क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, मीन्स ऑल कंट्रीज। ठीक है, मोर कंट्रीज। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट। दिस इज टूर्नामेंट, अ कंपटीशन इन विच मैनी प्लेयर्स प्ले गेम्स अगेंस्ट ईच अदर। टूर्नामेंट क्या होता है? कंपटीशन होती है जिसमें क्या है, प्लेयर्स होते हैं और वो क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलते हैं। टू ग्रुप होते हैं, उनमें एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टूर्नामेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द पैसेज। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स मीन्स स्पोर्ट्स है जो खेल हैं, गेम हैं, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हमारी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्व है। इफ़ वी प्ले स्पोर्ट्स वी कीप यंग एंड हेल्दी। अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो क्या होता है, हम रहते हैं, क्या रहते हैं? यंग। यंग मीन्स जवान। नोट कर लिया कीजिए, जो वर्ड आपको नहीं आता है तो उसका जो मीनिंग है आप नोट कर लिया करें। यंग मीन्स क्या होता है? जवान। एंड हेल्दी, हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त। इन आवर विलेजेस मैनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर प्लेड। हमारे गांव में मैनी स्पोर्ट्स, बहुत सारे खेल एंड गेम आर प्लेड, खेले जाते हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गेम खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम खेले जाते हैं। वन गेम इज़ वेरी पॉपुलर। वन गेम इज़
वेरी पॉपुलर विच इज कबड्डी, उनमें से एक गेम है जो बहुत फेमस है, पॉपुलर मीन्स फेमस, क्या कहेंगे हम? यस, प्रसिद्ध कहेंगे, पॉपुलर प्रसिद्ध कहेंगे ना, यस, फेमस होता है। विच इज़ कबड्डी, उनमें से जो सबसे जो पॉपुलर है, फेमस गेम है, स्पोर्ट है, वो कौन सा है स्पोर्ट्स? वो है कबड्डी। कबड्डी इज़ अ टीम गेम, विच गेम? टीम गेम। कबड्डी इज़ अ टीम गेम मीन्स कबड्डी है जो टीम में खेला जाता है। इट इज़ वेरी इंटरटेनिंग गेम, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। इंटरटेन मीन्स क्या होता है? मनोरंजन करना, ठीक है, मनोरंजन वाला गेम है, मज़ा आता है इसमें। प्लेयर्स ऑफ कबड्डी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड क्विक ऑन देयर फीट, कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड क्विक ऑन देयर फीट, अपने पैरों पे स्ट्रॉन्ग एंड क्विक यानी कि तेज़ी होना ज़रूरी होता है उनको। किनको? प्लेयर्स को। किनके प्लेयर्स को? कबड्डी के प्लेयर्स को। दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको क्या करना होता है? एबल टू कंट्रोल, उसे कंट्रोल करना होता है ब्रीथ पे। ब्रीथ मीन्स क्या बताया था? सांस को, सांस को कंट्रोल करना होता है, होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको मतलब कि खींच के रखना होता है लंबे समय के लिए, कि इनका सांस टूट मत जाए, कबड्डी बोलते हुए सांस मतलब टूट ना जाए, ठीक। अ लाइन टू डिवाइड द टू टीम इन ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर टू टीम्स डिवाइड किए जाते हैं। ए लाइन टू डिवाइड द टू टीम्स इन ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक लाइन होती है, उसके दोनों साइड में क्या है? टू टीम डिवाइड किए होते हैं। ईच टीम हैज़ सेवन प्लेयर्स, हर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? सेवन। द टू टीम्स स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर विद द लाइन बिटवीन देम, लाइन के बीच में जो टू टीम होती है वो एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ। ये देखो ये लाइन है, हम मान लेते हैं यहाँ पे लाइन है, इधर एक ये वाला एक ग्रुप है, एक टीम इधर है, एक टीम इधर है, तो ऐसे डिवाइड होते हैं। ए मेंबर्स ऑफ वन टीम क्रॉसिस द लाइन एंड गोज इन टू अपोजिंग कैंप, एक ग्रुप का जो मेम्बर होता है, वन मेम्बर होता है, वो अपने अपोजिट वाले टीम में जाता है, उसके उस टीम में एंट्री करता है। सेइंग कबड्डी कबड्डी व्हाइल आल्सो होल्डिंग द ब्रेथ, और वो क्या कहता है? कबड्डी कहते हुए जाता है और होल्डिंग द ब्रेथ यानी कि अपने सांस को रोकता है, रोक के रखता है। इफ़ शी ही इज़ एबल टू टच वन और टू पर्सन वाइल सेइंग द वर्ड कबड्डी एंड होल्डिंग ब्रीथ एंड रन्स बैक टू देयर साइड, द पर्सन हु इज टच्ड इज डिक्लेयर आउट। क्या कह रहे हैं इस लाइन में? अगर लड़का या लड़की किसी एक पर्सन को या टू पर्सन को टच करके करते हुए अपने कबड्डी कहते हुए सांस को रोके रखे हुए अब वापस अपने अपनी टीम में आ जाता है, तो जिसको वो टच करके आया होता है वो आउट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? एंड Then another team members crosses the line. फिर क्या है? दूसरी टीम, another team, दूसरी टीम के जो members हैं वो लाइन को क्रॉस करके जाते हैं। However, if see he is caught on the opposite side and is not able to get back,
get back to the team while saying kabaddi and holding breath. See, he is declared out. जब कोई लड़का या लड़की अपने अपोजिट साइड जाता है कबड्डी कहते हुए और सांस को रोके रखे हुए, उधर जो अपोजिट साइड वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, उसको वापस नहीं जाने देते, तो क्या है, वो आउट हो जाता है। यानी कि अपोजिट साइड वाला, देखो यानी कि इधर से इधर गया एक टीम का मेंबर, इधर गया वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा है, जाने के बाद उसने ये वाली टीम ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो बोल ही जा रहा है कबड्डी कबड्डी बोल ही जा रहा है, और वो उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है उसका। अगर सांस टूट गया, ठीक है, अगर कबड्डी बोलना बंद कर दिया या बीच में सांस टूट गया, तो वो क्या है, जो बोल रहा है, जो इधर से आया हुआ है इस टीम में, वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ टीम आर आउट, द अदर टीम विंस द गेम। जब एक टीम के सभी मेंबर्स है जो आउट हो जाते हैं, तो दूसरी जो टीम होती है वो जीत जाते हैं। कबड्डी इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर पंजाब। पूरे पंजाब में कबड्डी की गेम क्या है, बहुत पॉपुलर है, फेमस है। स्लोली इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर इंटरनेशनल आल्सो। धीरे धीरे क्या है, ये बनती जा रही है, क्या बनती जा रही है, इंटरनेशनल गेम बनती जा रही है। द कबड्डी वर्ल्ड कप इज़ एन इंडोर इंटरनेशनल कबड्डी कंपटीशन। द कबड्डी वर्ल्ड कप एक इंडोर इंटरनेशनल कबड्डी कंपटीशन है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। ये इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बोथ मेंस एंड वुमेंस नेशनल टीम पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। इनमें मैन और वुमेन दोनों नेशनल टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं इस मुकाबले में। द कंपटीशन स्टार्टेड इन 2004 वर्ल्ड कप। इस कंपटीशन का वर्ल्ड कप 2004 में स्टार्ट हुआ था। इट हैज़ कंटिन्यूड सिंस देन। ये अब लगातार चल रही है जब से। इंडिया हैज़ डन वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। इंडिया ने वेरी वेल, बहुत ही अच्छी कारगिर्दी दिखाई है इन टूर्नामेंट में। मोस्ट टूर्नामेंट हैव बीन वॉन बाय इंडिया। ज़्यादातर जो मुकाबले हैं वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। ये था हमारा लेसन 7 प्लेइंग कबड्डी। नाउ यू रीड इट। थैंक यू।